जा रहे हैं। और इस व्याख्यान से पहले, जैसे हम हर बार कुछ ना कुछ बात करते हैं, पिछली बार हमने रानी दुर्गावती की बात की थी, इसी तरीके से आज भी मैं आपको ज्योतिराम बोस, उनकी स्वतंत्रता की ललक हमें आज अपना कार्य उचित रूप से करने के लिए प्रेरणा देती है और बहुत सारा साहस देती है और बहुत सारी, जैसे हम जील और एंथुजियाज्म जिसको कह सकते हैं, वो दे सकती है। तो उस खुदीराम बोस को याद करते हुए, और एक खुदीराम बोस को तो हम जानते भी हैं, उनका नाम भी है, शहीदों में उनकी हम वंदना भी करते हैं, मगर ऐसे अनेक स्वातंत्र वीर हैं जिन्होंने बलिदान दे दिया मगर आज हम उनको जानते नहीं है। उन सभी वीरों को नमन करते हुए मैं आज की व्याख्यान माला के लिए डॉक्टर शिल्पा को बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही मैंने डॉक्टर शिल्पा से फोन पर बात की कि डॉक्टर साहब मैं ऐसे एक व्याख्यान आपका रखना चाहती हूँ, और आपने तुरंत ही हाँ कही, मैं आपका अग्रिम धन्यवाद भी करती हूँ कि विश्वहरित परिषद की ओर से आपका अग्रिम धन्यवाद। और आज हमें बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलेगा जामनगर की पावन भूमि से। और मैं आज के सेशन के कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर हीना को मैं आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर हीना ने अंडर ग्रेजुएशन यूजी की पढ़ाई की है, आप मूलतः राजस्थान के ही निवासी है, और अभी आप पीजी फर्स्ट ईयर के लिए मदन मोहन मालविया आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर से ही पीजी फर्स्ट ईयर की छात्रा है। और एक विशेष बात डॉक्टर हिना की ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी व्याख्यान माला में ये पहली पीजी स्कॉलर एज अ कोऑर्डिनेटर अपना कर्तव्य निभा रही है, या आगे आकर उन्होंने हाँ बोली, और इसके लिए मैं डॉक्टर दीक्षा, आज वो किसी कारण से हमारे साथ नहीं ऐसे कोऑर्डिनेटर के रूप में आ पाई, तो उन्होंने ही डॉक्टर हिना का नाम सजेस्ट किया था। तो डॉक्टर दीक्षा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि गुरु का कार्य एज ए टीचर, गुरु का कार्य चेले बनाना नहीं है, गुरु का कार्य है गुरु उत्पन्न करना, गुरु बनाना, है ना। तो चेले तो वैसे है ही है, मगर गुरु का काम है गुरु तैयार करना। तो डॉक्टर हिना, मैं आपका बहुत ज्यादा हार्दिक स्वागत करती हूँ, और आज के सेशन के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर हिना। बेटा अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर हिना आपका बेटा आवाज नहीं आ रही है जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल सच ऑनरेबल टीचर्स टू कंटिन्यू दिस सेशन ऑफ 264th लेक्चर विच इज ऑर्गेनाइज बाय विश्व आयुर्वेद परिषद ऑफ NIA। मैं इस सेशन का जो कंटिन्यूएशन है धन्वंतरी वंदना से करना चाहूंगी, तो आप सब इसमें मुझे ज्वाइन कर ले। नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैरवन्तितपादपादं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधोषधीनां। हमारे इस सेशन के मुख्य वक्ता डॉक्टर शिल्पा कुमारी बी डोंगा मैम, जो एट प्रेजेंट जामनगर आयुर्वेद से प्रोफेसर हैं PTSR डिपार्टमेंट के अंदर, मैं उनका एक शॉर्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। मैम का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 16 ईयर का है। उन्होंने अपना जो UG है BMS वो जामनगर कॉलेज 1995 में कंप्लीट किया है, और उन्होंने अपना MD IGPT एंड RA जामनगर कॉलेज गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, और आपका PhD भी जामनगर से ही हुआ है। मैम का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 21 इयर्स का है, वर्किंग एज अ हाउस फिजिशियन, PhD रिसर्च फेलो, क्लिनिकल रजिस्ट्रार एंड लेक्चरर, और आपका रिसर्च जो एक्सपीरियंस है वो 18 इयर्स का है एज अ रिसर्च एक्सपर्ट, वर्किंग एज अ PhD रिसर्च फेलो, क्लिनिकल रजिस्ट्रार, एज अ लेक्चरर, रीडर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। मैम का जो आज का टॉपिक है कि
PCOS एंड आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव, तो उसके लिए मैं सेशन मैम को हैंड ओवर करना चाहती हूँ कि वो प्लीज इस पे कंटिन्यू करें. डॉक्टर शिल्पा कुमारी भी डोंगा मैम. हेलो. हाँ दीदी, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुनाई दे रहा है. वॉइस इज ओके जी. हाँ ओके, ठीक है. सबसे पहले तो मैं आज के व्याख्यान के लिए मुझे जो आमंत्रित किया गया है और मुझे एक मौका दिया गया है मेरा जो विचार है वो व्यक्त करने के लिए, उसके लिए मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्व आयुर्वेद परिषद नए ब्रांच जयपुर की ओर से और उसके कोऑर्डिनेटर वेद्या हेतल दवे मैडम को और सर में बलदेव धीमान सर को भी मेरा नमस्कार प्रणाम करती हूँ सर को. और ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपना जो व्याख्यान है मेरी स्लाइड है वो शेयर करती हूँ. तो सबसे पहले आज का जो व्याख्यान है उसमें पीसीओडी एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव जो हमने रखा है, तो आजकल हम पीसीओडी जो हम क्लिनिकल डे टू डे हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, हम सबको पता है कि हमारे पास जब हम एक बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट है हमारी ओपीडी में डेली रूटीन प्रैक्टिस में बहुत सारे लड़कियां है दीदी. हेलो. डे टू डे. हेलो दीदी. हाँ जी. हाँ शेयर. हाँ ठीक है. जो आज का टॉपिक दिया गया है मुझे उसमें पीसीओडी एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है, तो उसमें हम सबको पता है कि हमारी जो डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस है उसमें आजकल जो पेशेंट है वो ऐसे ही कभी कभी रेगुलर मेंसेस के लिए आते हैं, कभी स्थौल्य के लिए आते हैं, कभी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम में आते लेके आती है, और कभी कभी डायरेक्ट पेशेंट है मुझे पीसीओडी हुआ है सभी स्कैन करके आती है और बोलती है कि मुझे पीसीओडी की कंप्लेन है मेरे ट्रीटमेंट कीजिए. तो आजकल पीसीओडी जो है वर्ड केवल मेडिकल टर्म न लेके एक पब्लिक जो लेमेन है उसको भी पता है कि पीसीओडी क्या है, उसमें क्या क्या होता है. तो हम माने कि हम ये मान सकते हैं कि ये इतना जो पॉपुलर हो गया है कि सबको पता है. तो सबसे पहले पीसीओडी क्या है, तो पीसीओडी क्या है, तो पीसीओडी में सबसे पहले पॉलीसिस्टिक, तो पोली मतलब मल्टीपल जो सिस्ट है फ्यूड फिल सेक है ओवरी में होती है उसको पीसीओडी है. पीसीओडी इज हेटरोजेनिक मल्टी फैक्टोरियल एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दैट कॉजेज द वुमन टू हैव द वेराइटी ऑफ सिम्टम्स लाइक ओबेसिटी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी हाइपोएंड्रोजिज्म एक्ने एकेंथेसिस नेग्रिकंस बहुत सारे जो प्रॉब्लम रहती है अलग अलग वेराइटी रहती है सभी में सब लक्षण नहीं मिलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीसीओएस एंड पीसीओडी एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी, तीनों टर्म हम यूज करते हैं. तो यूजली पीसीओडी है वो फुल ब्लूम जो सिम्टोम्स है उसको हम पीसीओडी के अंडर लेंगे. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओएस है वो सिम्टोम्स का जो कलेक्शन है सिंड्रोम के रूप में हम लेंगे, और जो भी फुल ब्लोन होता है पीसीओडी और केवल पॉलीसिस्टिक ओवरी रहती है पीसीओएस टाइप तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ओवरी में मल्टीपल सिस्ट रहती है तो पॉलीसिस्टिक ओवरी हम उसको लेते हैं. और ये सब जो जो टर्मिनोलॉजी में बताई तो वहाँ स्टैंड लेवेंथल सिंड्रोम से लेके आजकल पीसीओडी पीसीओएस पीसीओ जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मेनली आजकल पीसीओएस के नाम से या तो पीसीओडी नाम से हम सब मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं और लेमेन भी जैसे मैंने बताया आजकल यूज करते हैं, तो उसमें
मल्टीपल सिम्टोम्स, वेराइटी ऑफ सिम्टोम्स लेके आती है। तो कभी कभी ऐसे हम बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट हमको लगता है कि हमारे पास पेशेंट आती है तो यंग गर्ल्स कभी कभी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी या तो ओबेसिटी लेके आती है, स्थोलिय का प्रॉब्लम लेके आती है, कभी कभी हमारे ओपीडी में वो एक ने मतलब पिंपल्स का भी प्रॉब्लम लेके आती है। हाँ, तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है कि मेंस्ट्रुअल के साथ इसको रिलेटेड है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऐसे भी सिम्टम्स लेके आती है। कभी कभी हमारे यहाँ नहीं आके पेशेंट किसके पास जाए, तो वेराइटी ऑफ सिम्टम्स है इसमें, डर्मेटोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मिडल एज में जब हमारे पास आती है तो मेनली वो कभी कभी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, रिप्रोडक्टिव एज में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से लेके इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम लेके भी हमारे पास आती है, तो उसमें भी पीसीओएस पाया जाता है। कभी कभी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भी पेशेंट जाता है, कभी कभी ट्राइकोलॉजिस्ट के पास, ओबेसिटी क्लिनिक्स में जाता है। तो देर आर द वास्ट वेराइटी ऑफ सिम्टोम्स अकॉर्डिंग टू द सिम्टोम्स। मॉडर्न में तो बहुत सारे ब्रांच डेवलप हो गई है उसके लिए कि कहाँ कहाँ जाना है, उसमें डायटिशियन वो भी उसकी एक ब्रांच है कि भाई डायटेटिक रेगुलेशन करना है ट्रीटमेंट के रूप में, तो वो भी एक काउंसिल है, साइकियाट्रिशियन भी चाहिए। मैंने जैसे बताया कि कभी कभी ऐसे सिम्टोम्स ओबेसिटी होती है, एकेंथेसिस नाइग्रिकन्स है, हीट सूटिज्म है, तो उसमें वहाँ यंग गर्ल्स में उसको जो प्रॉब्लम होता है कि उसको